अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सना व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, रमज़ान आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सफाई की जाए घर की भी। सो मैंने ये सिर्फ टीवी रूम को अपने थोड़ा सा क्लीन किया है और बच्चों के रूम को थोड़ा सा सेट किया है। खैर, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की क्योंकि ईद से पहले भी थोड़ी सी साफ़ सुथराई होगी घर की। घर इतना गंदा नहीं होता, बस बच्चे आपको पता है छोटे हों तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ फेंक देते हैं, तो ज़रूरी होता है कि अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाए साथ के साथ, तो फिर ज़्यादा गंद नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सेट हो गया है, बच्चों का रूम भी सेट हो गया है और टीवी रूम भी सेट हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। साथ ही मुझे फ्रिज की टेंशन हो गई थी कि मैंने फ्रिज भी क्लीन करना है, लेकिन मेरा फ्रिज इतना गंदा नहीं था क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे इसको क्लीन करती रहती हूँ। जब मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ तो मैं साथ ही के साथ रखने से पहले वो जगह क्लीन कर देती हूँ, तो इसलिए मुझे इसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारी चीज़ें माशाल्लाह ऑर्गेनाइज थी और सारा कुछ सेट हुआ हुआ था। अच्छा, ये साइड्स थी जो थोड़ी मुझे गंदी लग रही थी, मैंने सोचा कि इनको मैं क्लीन कर दूँगी। अब मैं वीडियो ऑफ़ करूँगी तो साथ में इनको क्लीन कर दूँगी। माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है कुछ फ्रिज को क्लीन करने की, ये बिल्कुल सेट है, तो मेरा टाइम काफ़ी बच गया था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।